गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग का शुरुआत है ना, मैंने एकदम अर्ली मॉर्निंग कर दिया था। मैं एकदम वो अपना गोप्रो का सेटअप वगैरह लेके निकला था सुबह सुबह, मतलब 5 बजे मैं निकल गया था। आप सोच रहे हो सुबह के 5 बजे, बट जब मैं घर आकर देख रहा हूँ तो मतलब एक होता है मेरे पास वो जो रोड का माइक है ना, वो जो जैक है ना, वो मैं लगाना ही भूल गया था, तो ऑडियो कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। वही गोप्रो में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा है, ज्यादा विंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। मैं सोचा था सुबह सुबह मस्त आप लोगों को एक मोटो व्लॉग दूंगा, मैं विक्टोरिया मेमोरियल तक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आया तो मम्मी बोल रही है कि जल्दी से नहा लो, फ्रेश हो जाओ। एक काम करते हैं, सबसे पहले जाकर नहाते हैं। वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आइडिया लग गया होगा आज का जो मेरा वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। वैसे कल रात में मैं काफी देर तक जगा हुआ था, वही फ्लिपकार्ट पे स्क्रॉल किया जा रहा था, फिर भी देख लो एकदम सुबह सुबह उठ के निकल भी गया था मैं। थोड़ा एक काम करते हैं, ज्यादा बकबक नहीं करते, पहले नहा कर आते हैं उसके बाद बाकी का बात करते हैं। वैसे कल मेरा नहाना स्किप हो गया था इसलिए मम्मी बोले कि आज आके सबसे पहले जाके नहाओ, उसके बाद कुछ भी करना, खाना भी तुमको नहाने के बात ही देंगे। मैं बोला ठीक है भाई, पहले जाके नहा लेता हूँ, तो हाँ अभी नहा कर आ गया हूँ। जैसे कि देखो ये जो मेरा टीवी यूनिट है ना, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया ना, लाइक ब्राउन कलर का तो ये रहेगा ही, और जो भी अंदर में सामान रहेगा ना उसका जो कलर होगा ना उसमें एक गोल्ड टच रहेगा, इसलिए आप देख लो जितना भी आपको दिखेगा ना मैक्सिमम सब गोल्ड है। चाहे आप इधर देखो मैक्सिमम मैं ऐसे ही सामान रखा हूँ जिसमें गोल्ड टच है, बट अभी भी देख लो नीचे यहाँ भी जगह खाली है और वहाँ भी जगह खाली है। एक्चुअली कल रात से मैं फ्लिपकार्ट में ना अपना सोवेनियर सब सर्च कर रहा था और मुझे काफी सोच समझ के शॉपिंग करना पड़ रहा था। जैसे कि मैंने बताया आपको कलर मैच का बात हो गया, फिर उसका क्वालिटी भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो। वैसे मुझे पसंद तो बहुत कुछ आ रहा था लेकिन सभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। फिर उसके बाद मुझे एक ऐप का याद आया, किक कैश, जिसके थ्रू अभी मैं अपना सारा ऑनलाइन शॉपिंग सब करता हूँ। फिर जब मैंने किक कैश ऐप खोला और वहां मुझे दिखा फ्लिपकार्ट का भी स्टोर, आप बिलीव नहीं करोगे, फ्लिपकार्ट पे जो ऑर्डर मुझे 8,000 रुपए का पड़ रहा था वही मैंने 40% ऑफ मुझे फ्लिपकार्ट दे रहा था, एंड 800 रुपए का कैशबैक मैंने किक कैश के थ्रू अर्न करके 4,000 में ही खरीद लिया। भाई साहब ये लाइफ सेविंग ऐप है हर वो शॉपिंग एडिक्ट के लिए जो फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आप तो जरूर जानना चाहोगे कि मैंने इतना पैसा कैसे सेव किया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप प्ले स्टोर से फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर ले, फिर उसके बाद मैंने ऐप ओपन करके सिलेक्ट किया फ्लिपकार्ट, वहाँ बहुत सारे ऑफर चल रहे थे, मैंने अप टू 40% वाला ऑफर को सिलेक्ट किया, कूपन कोड कॉपी किया, फिर उसके बाद से शॉप नाउ पे क्लिक करके मैं पहुंच गया डायरेक्टली फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे। फिर उसके बाद जो मुझे अपना सोवेनियर सब ऐड करना था उसको मैंने कार्ट में ऐड किया, चेकआउट किया, ऑर्डर करने के 5 मिनट बाद ही मेरा सेल ट्रैक हो गया। फिर उसके बाद की कैश वॉलेट में मेरा 800 रुपया पेंडिंग स्टेट में ऐड हो गया। जैसे ही फ्लिपकार्ट का रिटर्न पीरियड ओवर होगा फ्लिपकार्ट मेरे सेल को कंफर्म कर देगा, फिर उसके बाद कैशबैक वॉलेट पे कंफर्म कर दिया जाएगा और इस कैशबैक को आप बहुत इजीली विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे वॉलेट पे मैंने अभी तक लाइफ टाइम 14,000 रुपए अर्न किए हैं। इसको विड्रॉ करने के लिए मैं विड्रॉ अमाउंट पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे ना 3 मेथड से विड्रॉ कर सकता हूँ, एक पेटीएम, यूपीआई और तीसरा बैंक अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हो मैं यूपीआई के थ्रू विड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी यूपीआई आईडी प्रीफिल्ड है, मैंने यूपीआई पे क्लिक किया, विद इन 10 सेकंड मेरा पैसा मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, इस पे आप और भी लीडिंग ब्रांड जैसे कि हो गया जियो, मिंत्रा, स्विगी, बियर्डो, 300 से भी ज्यादा स्टोर से आप शॉपिंग करके कैशबैक अर्न कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने फ्रेंड को भी ये ऐप को रेफर करके उससे भी आप कैशबैक अर्न कर सकते हो। और जब भी आप अपने फ्रेंड फैमिली में से किसी को भी रेफर करोगे ना, तो उनका पहला परचेस से आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। और यही नहीं, आपको 20% कैशबैक आपको हर एक परचेस पे मिलेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। सिंपल सा बात है, आप हाई प्राइस को करो गुड बाय और किक कैश को करो हेलो। एक और बात, अगर आप मेरे रेफरल कोड से रजिस्टर करते हो आपके फर्स्ट सेल पे एडिशनल 200 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा, तो मेरा कोड जरूर यूज करना जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो चलो भाई देर मत करो, फटाफट जाके डाउनलोड करो ऐप को, अभी टाइम हो गया मेरा निकलने का, तो फटाफट एक काम करता हूँ मैं निकलता हूँ, एक ही बार ये वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं निकल गया हूँ, अभी थोड़ा ना गोप्रो लिया हूँ ना ही कोई स्टैंड है, तो एक काम करते हैं एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहां से बाकी का बात बताऊंगा मैं कहाँ के लिए निकला हूँ कहाँ के लिए नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे स्ट्रीट का, स्ट्रीट नहीं बोल सकते, एक तरह का वो छोटा रेस्टोरेंट है, छोटा है लेकिन भाई अच्छा खासा भीड़ होता है वहाँ पे। सबसे पहले मैं वहाँ का तंदूरी चिकन दिखाऊंगा, काफी बजट फ्रेंडली है, मतलब काफी कम में आपको बहुत ही बढ़िया तंदूरी चिकन मिलता है। उसका जो तंदूरी चिकन है ना भाई, अच्छे अच्छे होटल्स में, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी वैसा नहीं मिलता है। वहाँ के बाद जो मैं सबसे एक्सपेंसिव वाला तंदूरी चिकन खाऊंगा वो कहाँ का खाऊंगा मैं अभी प्लान कर रहा हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को एक सस्ता तंदूरी चिकन, फिर मैं दूसरा दिखाऊंगा एकदम महंगा वाला तंदूरी चिकन, और दोनों को कंपेयर करेंगे टेस्ट में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, सब कुछ मैं देखूंगा। तो आज का वीडियो यही है, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव फूड, या फिर ये भी बोल सकते हो स्ट्रीट वर्सेस 5-स्टार रेस्टोरेंट या फिर 5-स्टार होटल फूड। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए, देख लो मुगल अंपायर। अगर अच्छा तंदूरी चिकन खाना हो, वैसे तो नॉर्मली मैं वहाँ पे जाता हूँ लेकिन वो एसी वाला है, अभी मैं नॉन एसी में जाऊंगा, तो वही अभी जाते हैं अंदर में। और यहाँ का कभी रोल भी ट्राई करना, रोल भी मस्त होता है। हाँ जी, तो अभी मैं आ गया हूँ मुगल में, एक्चुअली हम लोग मुगल मुगल बोलते हैं लेकिन लिखा हुआ है देख लो मुगल। यहाँ पे आके जो मैंने ऑर्डर किया, मैं आपको दिखा दूंगा क्या मैंने ऑर्डर किया है।
वैसे हम लोग हमेशा बगल में बैठते हैं, लेकिन बगल वाले का रेट थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि वो एसी रेस्टोरेंट है, ये नॉन एसी है। तो यहाँ थोड़ा और कम, तंदूरी चिकन दोनों एक ही जगह बनता है, ऐसा नहीं कि भाई एसी वाले का अलग से बनता है नॉन एसी वाले का अलग। यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा तंदूरी चिकन, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा कि पूरे कोलकाता में मैं तो बोलता हूँ भाई अभी तक का मेरा जहाँ भी मैंने ट्राई किया हुआ है ना, इनफैक्ट मैंने पंजाब में भी ट्राई किया था, अभी तक का मेरा ट्राई किया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नहीं सबसे बेस्ट तंदूरी चिकन मुझे ये मुगल अंपायर का ही लगता है। लोकेशन वगैरह मैं सब कुछ आपको बता दूंगा बाहर निकल के, फिलहाल मैं आपको रेट दिखा देता हूँ यहाँ का तंदूरी चिकन का। तो यहाँ पे देख लो तंदूरी एंड कबाब का सारा रेट है, चिकन तंदूरी फुल 270, हाफ भी ले सकता था मैं 140 का, लेकिन 270 में यहाँ पे मिलता है तंदूरी चिकन, इससे भी कम में भी मिलता है नो डाउट, लेकिन अच्छा बढ़िया तंदूरी चिकन मेरे को यहीं का लगता है। बाकी जब आता है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और एक बात है कि सस्ता के चक्कर में, ऐसा नहीं कि आप सस्ता के चक्कर में बेकार चीज खा लो पेट खराब हो जाए फिर आपका काम ही खराब हो जाए, सस्ता हो लेकिन अच्छा भी हो, इतना भी सस्ता ना हो कि भाई आप खा ही ना पाओ, और मतलब समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। और बाकी यहाँ का तंदूरी चिकन का एक खास बात और है ना, जब भी मैं यहाँ का तंदूरी चिकन लेता हूँ उसके साथ एक पराठा भी लेता हूँ यहाँ का, जब भी आओगे तंदूरी चिकन के साथ वो पराठा जरूर लेना, खास करके इनका रोस्टेड चिकन के साथ, तंदूरी चिकन नहीं भी लो चलेगा रोस्टेड चिकन के साथ पराठा। तो ये आ गया देख लो मेरा 270 रुपए का तंदूरी चिकन, बिना टेस्ट के मैं बता सकता हूँ बहुत ही बढ़िया है ये। और यहाँ पे असली जादू करता है इसका ये चटनी, भाई मैं बता रहा हूँ ना ये चटनी का फैन हो जाओगे, एक बार आप कभी भी आकर ट्राई करके देखो। और ये दोनों तो खैर बढ़िया ही है, इसके साथ मैंने ये अलग से पराठा भी लिया है, मैं इसको ट्राई करने के लिए आया हूँ। और एक बात है इसका प्राइस है 270 रुपीज, इसका क्वांटिटी देख लो आपको 4 पीस मिल जाएगा इसमें, साथ में चटनी सैलेड कुछ ये सब मिलता है 270 रुपए। तो अब इसके बाद जो मैं एक्सपेंसिव वाला ट्राई करूंगा उसमें क्या क्या मिलेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। चलो जी मैं अभी इनका ट्राई करता हूँ ये तंदूरी चिकन, वैसे मैंने बहुत बारी ट्राई किया हुआ है यहाँ का, हमेशा की तरह इनका टेस्ट एक ही जैसा है जैसा पहले भी मैं ट्राई करता था, इसलिए यहाँ का तंदूरी चिकन मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, चाहे आप ओकेशन में हो या फिर नॉर्मल डेज में हो आपको टेस्ट हर टाइम एक जैसा ही मिलेगा, चिकन भी एकदम सॉफ्ट है और स्पेशली जादू करता है ये चटनी। और मैं क्या करता हूँ मालूम, मैं ये जो सैलड है ना ये चटनी में डाल देता हूँ, ऐसे उठा उठा के खाता हूँ। अभी ये जो पराठा है ना ये ऑप्शनल है, मस्त मीठा मीठा पराठा होता है इनका, ये चिकन थोड़ा हल्का सा, ये चटनी एकदम टेस्टी कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया लगता है ये। कोलकाता है अपनी तो अनेक जगह तंदूरी चिकन खेच है, अपना सब दी के फेवरेट पता है, बजट फ्रेंडली मुझे खा सकते हो, बजट फ्रेंडली एमनी भालो थे करीम से, करीम से भाई अगर आपको बजट में खाना है ना बेस्ट तंदूरी चिकन है ये। चलो जी यहाँ से जो तंदूरी चिकन है वो ट्राई करके तो मैं निकल गया हूँ, और एकदम ये कोना एक्सप्रेस में है और उसके पास में ये देख लो ये मुगल अंपायर आपको दिख जाएगा, ये बहुत सारा लाइन से ऐसा रेस्टोरेंट होगा सबसे ज्यादा जिसमें भीड़ होगा वही है। बाकी ये बिल है देख लो, दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा से, अभी मुझे दूसरे जगह जाकर भी खाना है ना, इसमें देखो पैक भी करवा लिया है, पूरा खाए भी नहीं आधा पैक करवा लिया। अब ये काम करते हैं देखते हैं महंगा तंदूरी चिकन कहाँ मिलेगा, थोड़ा आइडिया लगाना होगा कहाँ मिल सकता है। करीम का कितना प्राइस है? 900 595, उसके ऊपर टैक्स जो है 5% टैक्स है। कैसा भाई बढ़िया? वैसे तो हम लोगों ने और भी बहुत कुछ लिया था, जैसे कि एक पराठा हो गया साथ में पानी का बोतल हो गया, लेकिन मैं इनको बोला कि आप तंदूरी चिकन का ना बिल अलग से कर दो। तो ये देख लो 270 रुपए का तंदूरी चिकन, अब ये काम करते हैं देखते हैं महंगा वाला तंदूरी चिकन का प्राइस कितना है। ताज बंगाल तो पहुंच गया हूं मैं, अभी देखना है स्कूटी लेके तो जाने देंगे नहीं, अभी एक काम करते हैं स्कूटी लेके ट्राई मारते हैं, अगर जाने दिया तो ठीक है नहीं तो फिर रिटर्न आ जाएंगे। रेस्टोरेंट में जाना है, गाड़ी कहाँ रखना होगा? एकदम सीधा, थैंक यू। भाई साहब स्कूटी लेके एंटर करने दे दिया, कॉन्फिडेंस रहेगा तुम हाफ करने अमेरिका चले जाओगे। तो ये देख लो स्कूटी लेके हमें ताज बंगाल में मतलब 5-स्टार होटल में एंट्री तो मिल गया है, अभी जाते हैं अंदर, यहाँ पे रख दिए पूरा एकदम हेलमेट वगैरह सब रख दिए इधर, तो एक चीज अच्छा लगा भाई एंट्री करने दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में बता भी दिए कहाँ पार्किंग है। अभी काम करते हैं कैमरा अंदर ही रखते हैं, जाते हैं अंदर आपको जाके ताज बंगाल के अंदर का भी सीन दिखाते हैं। हम लोग जा रहे हैं वैसे सोनार गाँव में ही एक चांसेस मिल जाएगा, बाकी वहाँ पे बंगाली खाना बहुत मस्त मिलता है, मैंने साथ दिखाया भी हुआ है, आप जाके देखोगे तो मैंने सोनार गाँव पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है जब मैं ताज में आया था, सर 5000 रुपए का बिल बना था मेरा, आप जाके देख लेना वो वीडियो, आई बटन में लिंक दे दूंगा मैं। फिलहाल अभी जाते
है, तंदूरी चिकन ढूंढते हैं। पता नहीं कहाँ एक कैल 27 भी है अंदर में, सोनार गांव भी है और भी एक दो रेस्टोरेंट है, पता करना होगा। तो अभी एंटर करने वाले हैं ताज के अंदर। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ तो गए ताज बंगाल में, कैमरा अभी रखते हैं अंदर नहीं तो रोक देगा कहीं। अभी अंदर तो मैं आ गया हूँ और एक ही जगह है जहाँ पे ऑप्शन है मिलने का, जो कि है सोनार गांव। तो जाते हैं अंदर, उससे पहले है भी कि नहीं है, चांसेस है मिल जाए क्योंकि यहाँ मैं आया हूँ। बाकी अंदर से देख लो ताज बंगाल, भाई साहब क्या लगता है। भाई तो भाई इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आई बटन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, देख लेना। इस होटल का रूम सब कैसा है, खाना कैसा है, मैंने सब कुछ दिखाया हुआ है, जाके देख लेना। अपने कोलकाता का वन ऑफ द बेस्ट ये 5-स्टार होटल है। अभी मैं सोनार गांव के अंदर तो आ गया हूँ। ये रेस्टोरेंट का पहले भी मैंने बोला था, लाइट थोड़ा ना डिम रहता है, मतलब रेस्टोरेंट के एम्बियंस के हिसाब से। तो देखते हैं मेन्यू में क्या प्राइस है क्या नहीं है। और ये देख लो यहाँ का कुछ तामझाम। अभी हम लोग जहाँ पे थे दो बार तीन बार बुला रहे थे फिर भी आ नहीं रहा था, यहाँ पे बैठते ही चार लोग आ गया, गेर लिया। तो ये यहाँ का मेन्यू है देख लो सोनार गांव का। अभी दिखाता हूँ मैं इनका मेन्यू। वैसे देख लो स्टार्टर में, स्टार्टर नहीं है, आप ऑर्डर नहीं भी करोगे ना तो आपको ऐसे पापड़ और ये सैलेड देकर चले जाएंगे ताकि आपका मुंह चलते रहे जब तक आपका खाना आएगा। ये बहुत बढ़िया लगता है मेरे को, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ये फैसिलिटीज है। दही सीख कबाब लगभग 1200 रुपए, तवा सोया चाप लगभग 1300 रुपए, मलाई अचारी ब्रोकली 1295, अदरकी लॉबस्टर 2600 रुपए, लहसुनी मेथी झींगा 2095। वेज में देख लो पनीर सिरका प्याज लबाबदार 1295, आलू लाल मिर्च 1295, दाल सोनार गांव 1095। रायतर प्राइस जानो को तो दादापति बिरयानी का जो प्राइस है उसमें और 50 रुपए ऐड कर दो, 400 रुपए। दाल का देखो तुम 1000 रुपया, कोसा आलू दम 1295, डाब चिंगड़ी 2095, भाई साहब सोरसे बेट की 1650, चिंगड़ी मलाई करी 2095। जितना ब्रेड आइटम है ना सभी का प्राइस भाई 300-295 ऐसे करके। स्टीम राइस 825 रुपए का, परत पुलाव 1250, दम गोश्त बिरयानी लगभग 1600 रुपए। मेरे को लग रहा है ना वो जो टी शर्ट जीन्स होता है ना मैं उसका रेट पड़ रहा हूँ। गुलाब जामुन अंदर मिलेगा 650 का। भाई इसको बंद करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने बोला तंदूरी चिकन के लिए, एक्चुअली इनके मेन्यू में तंदूरी चिकन नहीं मिल रहा था ना, कि मतलब भट्टी था, भट्टी का मुंह। मैं तंदूरी चिकन के लिए बोला तो वो बोले कि सर हमारे यहाँ होता है भट्टी का मुंह, वो भी सेम ही, आप वो ट्राई करो। सेम ही होगा ना, भट्टी तो मतलब वही हो गया, तंदूर हो गया, मतलब तंदूरी भट्टी। मतलब यहाँ पे नाम थोड़ा अलग है, ये भट्टी का मुर्ग है। और यहाँ पे ना होल चिकन नहीं मिलता है, एक प्लेट मतलब यहाँ पे होता है लेग पीस और एक ऊपर वाला पीस, ऐसे ही मिलता है। हाफ तंदूरी जैसा हम लोग हाफ तंदूरी होता है वैसे ही। रेट क्या है क्या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, आएगा तो मैं बताऊंगा। मस्त आप पापड़ खाते रहो, टाइम पास करते रहो। ये सब होटल में क्या होता है, बल्क में खाना नहीं बना रहता है कि आप बोले, आप अगर आप बोलोगे कुछ ऑर्डर करोगे ना तो वो बन कर आएगा, ऐसा नहीं कि बना हुआ है वो ला कर रख दिए, फ्रेश बनाएगा एकदम। रफ आइडिया बताओ कितना हो सकता है तंदूरी चिकन का प्राइस, सॉरी भट्टी मुर्ग का प्राइस? 1400। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है 1600-1700 होगा, 1600-1700 देखते हैं। एक्चुअली मैं इसको बोला था भट्टी की मुर्ग, लेकिन ये है खड़े मसाले के। अच्छा अच्छा, तो पहले भट्टी की मुर्ग था, अभी अपग्रेड होकर हो गया खड़े मसाले का मुर्ग। चलो देखते हैं कैसा है, बाकी जल्दी से फोटो लेते हैं उसके बाद इसको टेस्ट करते बताते हैं। देखकर तो बहुत ही सही लग रहा है, और एक प्लेट का कोई ऑप्शन नहीं, हम लोग पूछे भी तो बोले नहीं वो हाफ तंदूरी जैसे ही लेना होगा। अगर एक प्लेट लेता हो तो फिर हमको यही चीज सेम लेना होगा, वो अलग से देंगे, एक साथ नहीं देंगे। एक होता है ना इनका सजाने का तरीका वगैरह, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है ना इनका, बात वही है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना ये खड़े मसाले का मुर्ग। वो जैसा नाम है ना मसाले का मुर्ग, पूरा मसाला का भर भर के फ्लेवर है। चिकन बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही जूसी है, और इनका जो हरा चटनी है ना इसमें किसी भी तरीके का कलर यूज नहीं किया गया, एकदम ओरिजिनल हरा चटनी है। नो डाउट टेस्टी है, लेकिन अभी मैं प्राइस जब तक पता नहीं चलेगा मैं इसको कंपेयर कर नहीं पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। ये थोड़ा ना इसमें मसाला मसाला वाला बात आ जा रहा है, वो जो था एकदम लाइट था, मतलब उसमें कोई मसाला नहीं कुछ नहीं, ऑयल बहुत अच्छा है, यही चीज है ना इसलिए तो इतना दाम होता है। ये देखो ऑयल बटर वो जो भासता है कुछ नहीं है, एकदम अच्छा ऑयल यूज किया गया है इसमें, चिकन भी सॉफ्ट है, इसको कुक भी काफी अच्छे तरीके से किया गया है। और हरी चटनी यार ये कमाल का है, ये देख रहे हो बोलो का जो हरा चटनी था उसमें क्या क्या मिक्स किया गया था, कलर भी ऐड किया गया था क्योंकि हाथ ग्रीन ग्रीन हो जा रहा था, इसमें कोई कलर यूज नहीं किया गया, एकदम नेचुरल है ये। बट यही है वो 270 का था, इसका जब बिल आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज ठीक है। देख लिया आपने कैसा होता है महंगा होटल का तंदूरी चिकन, कुछ ऐसा होता है देख लो। इतना सारा दुनिया भर का सैलेड भी दे देंगे आपको, तो ये सब का एक फर्क होता है, जब इसका बिल आता है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। चलो जी, अपना खाना पीना तो हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वही एक तंदूरी चिकन ही ऑर्डर किया था मैंने। अभी देखते हैं उसका बिल कितने का आता है, क्योंकि उसमें बस दो पीस था और एक प्लेट जैसा इनके पास कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। मैं क्या बोला था आपको, तो
तो ये देख लो बिल आ चुका है अपना, खड़े मसाला का मुर्ख 1595 का, 1600 रुपए का तंदूरी चिकन। 1600 अभी वो कितने का था? चलो अभी एक काम करते हैं, बिल पे करते हैं। बोले थे ना, तुम बोले थे एक्सपेंसिव, तो हम तुमको करीब से बोल रहे थे। टोटल ऑलमोस्ट 1900 रुपए। हम लोग इसको बोलते हैं फसल, बांग्ला की बोला जाए बोटी। आप लोग इसको क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। और ठीक इसी तरह हमारा भी आज कट गया है। माउथ फ्रेशनर के लिए देख लो क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे। चलो जी बढ़िया हो गया, पैसा वसूलना होगा यही सब चीज से। तो अभी हम लोग अंदर से तो निकल गए हैं, और प्राइस को देखते हुए लगभग 1900 रुपए का ये जो तंदूरी चिकन था 1900 रुपए का था बस दो पीस। प्राइस को मद्देनजर रखते हुए अपना वो 270 रुपए वाला फार 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 बेटर था, एकदम बेटर। चलो अभी अंदर से निकलते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं तो मना कर देंगे। ताज होटल में आपका फर्स्ट टाइम है ना? तो वही अभी हम लोग अंदर में घूम रहे हैं बढ़िया से। खाना पीना तो हो गया है, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। लाइक 5 स्टार में बैठकर तंदूरी चिकन खाने का क्या मजा होता है, मजा मतलब सजा है। ये सब देख लो, ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल है, रियल कैंडल है ये। साफ सफाई तो हमेशा ही होते रहते हैं। पाम लाउंज ये सब भी देख लो, एकदम रियल कैंडल है। हाँ जी, तो अभी हम लोग ताज बंगाल से बाहर निकल रहे थे, तभी हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए, बोले कि अभी कौन सा रेस्टोरेंट है, द सुक। सुक तो अभी हम लोग आ गए हैं द सुक में। वो बोले कि सर आइए हमारे तरफ से, आपको कुछ मैं ट्राई करवाना चाहता हूँ। मैनेजर थे ना यहाँ के? तो वो यहाँ के मैनेजर, ये रेस्टोरेंट के मैनेजर है वो। तो मैं बोला ठीक है चलो यार क्यों नहीं। वैसे भी खाने के बाद डेजर्ट बाकी था अपना, और खाना इतना ज्यादा तो उन्होंने हमें ये ऑफर किया, ये हैंडमेड मतलब ये यही बनता है, रोज पेटल आइसक्रीम है। इसका कोई रिव्यू नहीं होगा। ऑलरेडी अभी रात का कितना हो गया, 11:15 हो गया, घर जाते थे 12 बज जाएगा। कल रात में घर आने के बाद मैं आराम से जाकर लेट गया, बहुत जोड़ों का नींद आ रहा था। मैं सोचा चलो एक बार सुबह उठ के ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा, और सुबह उठते ही मेरे पॉकेट में ये बिल था, वही मैं तब से देखे जा रहा हूँ। भाई साहब बस एक आइटम के लिए, बस एक चीज जो आपने देखा उसके लिए लगभग 1900 रुपया लगा, 1882 बस एक आइटम के लिए। वही जो मैंने 270 रुपए का चिकन तंदूरी खाया था भाई, उसे एक तो पेट भी भरा। प्राइस को देखते हुए ना भाई वो 10 टाइम बेटर था, मैं बोल सकता हूँ, जो मैंने मुगल एम्पायर में खाया था। मेरे लिए तो स्ट्रीट वाला तंदूरी चिकन ही बेस्ट है, चाहे क्वांटिटी की बात करो, टेस्ट की बात करो, प्राइस की बात करो, सब कुछ बेस्ट है। और वहां तो मैंने लिया था एक पराठा, और सच बताऊं तो ताज बंगाल में मुझे पराठा लेने का हिम्मत नहीं हुआ। एक तो वैसे ही बस एक प्लेट तंदूरी चिकन इतना महंगा, ऊपर से एक रोटी लूंगा तो और पता नहीं मतलब 2500-3000 रुपए का बिल बन जाता, तो इसलिए मैं बोला छोड़ो रहने देते हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और मैं ट्राई करूंगा बीच बीच में इस टाइप का वीडियो लाऊं, चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्या ट्राई करूं आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहां तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que mamá.